Okay, this is a self-stirring mug. My hot milk, my instant coffee. What do I use, one spoon? Oh! तो भाई देखा आपने वीडियो में, इस वीडियो को देख के भाई मैं भी एक मग खरीद कर लेकर आ गया हूँ जो कि ये रहा। इसके अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये मैं लेकर आया हूँ 140 रुपए में। क्या ये 140 रुपए की वर्थ रखता है नहीं रखता, इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहले तो इसके कंटेंट की बात है, इसके अंदर क्या क्या चीजें निकलती है वो हम जानेंगे, और ये अगर रियल में वैसे काम करता है या नहीं करता वो भी जानेंगे। तो ये रहा हमारा मग, इस टाइप की पैकिंग में आता है, बाहर निकालते तो इस टाइप का दिखता है। ये इसकी ऊपर से आ जाती है कैप। मग के अंदर की बात करें तो इस टाइप का ये निकलने वाला है। इसके अंदर अगर इसकी लुक वाइज की बात करें तो इस टाइप का ये आपको दिखने वाला है। यहाँ की अगर बात करें, जैसे मैंने देखा था वीडियो में बटन, तो इसमें भी यहाँ पर एक बटन दिया गया है। नीचे की बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर लगने वाले पेंसिल सेल जो कि ट्रिपल ए होते हैं। चलिए वो भी हम पेंसिल सेल तो हैं हमारे पास, वो भी देखेंगे। और अंदर की अगर बात करें तो अंदर से कुछ इस टाइप से दिखने वाला है, और जैसे ही आप इसकी कैप लगा देंगे यहाँ पर इस टाइप से, तो ये आपका सिपर बन जाता है। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली पी सकते हैं और इसमें कोई भी गिरने का चांस नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं, और उल्टा करने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले डालेंगे बैटरी। तो ये मेरे पास दो बैटरियाँ हैं, ये इसको एक को इधर लगाई मैंने, एक को बैटरी को इधर लगाया, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से क्लोज। इसके बाद ये हो गया हमारा मग इस टाइप से। अब चलिए एक बार इसको ऑन करके देखते हैं क्या ये काम करता है। हाँ भाई काम तो कर रहा है। तो चलिए अब इसके अंदर कोल्ड कॉफ़ी बनाते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए दूध, तो वो है मेरे पास ये रहा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर मुझे डालना पड़ेगा इसके अंदर दूध। यहाँ पर डालना पड़ेगा मुझे एक नेस्कॉफी का पाउच, इस तरह से ये मैंने इसके अंदर डाल दिए। इसके बाद भाई मुझे अपने स्वाद अनुसार डालनी पड़ेगी इसके अंदर थोड़ी सी चीनी। तो भाई एक कप में कॉफ़ी कड़वी भी होती है, तो भाई मैं तो थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ले लेता हूँ, 5 दिन खाऊंगा। इसके बाद भाई इसको चलो रन करके देखते हैं। यहाँ से रन वाली बात है, तो चलिए इसको मैं यहाँ से आपको रन करके ये बटन दबाया, और वाह भाई ये तो वाकई में काम करता है। मतलब मेरी जो कोल्ड कॉफ़ी है वो तो इजीली बन जाएगी अब भाई। ये तो कोल्ड कॉफ़ी के झाग भी बना रहा है, ये तो वाकई में वर्थ इट है। 140 रुपए में क्या लेंगे आप। तो लो भाई मैंने एक की बजाय इसके अंदर दो कप बना रहा हूँ। ये देखो दूसरा वाला पाउच भी लिया मैंने, काटा, और इसके अंदर ये मैं कॉफ़ी डाल रहा हूँ। ये देखो मैंने इसके अंदर कॉफ़ी डाल दी है। चीनी वाली बात है तो मैं चीनी भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। मैंने देखा कि ये एक कप तो बना सकती है, क्या ये दो कप भी बना सकती है, तो इसलिए मैंने चीनी भी डाल दी इसके अंदर। देखो झाग वाली कॉफ़ी एकदम। अब ये देखो मैंने इसको ऑन किया, और ये भाई हमारी वॉशिंग मशीन की तरह दूध को भी धो दिया, वो चीनी को भी धो दिया, और भाई हमारी कॉफ़ी को भी धो दिया। ये भाई दूध से बन गई हमारी कॉफ़ी, और ये भाई थोड़ा सा और बचा है इसके अंदर, मैं इसको भी डालने की कोशिश करता हूँ क्या होता है देखते हैं। लो भाई पूरा भर दिया भाई। 2 seconds later. तो लो भाई हमारी झाग वाली कॉफी तैयार हो गई है, आपको झाग अच्छे से दिख रहे होंगे। क्या इसने चीनी यहाँ पर घोल पाया है नहीं घोल पाया वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको वापस निकाल लूंगा इस तरह से। ये देखो अब भाई नीचे की बात करें चीनी है या नहीं। ओ भाई साहब इसने तो पूरा का पूरा एकदम क्लीन कर दिया, मतलब चीनी को तो इसने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, धो डाला। चलिए मीठा कैसा रहने वाला है एक बार ही देखते हैं, मीठा भी जबरदस्त है। तो चलो भाई थोड़े से और झाग बना लेते हैं एक बार ही, और अब तो लालच आ गया मन में, अब तो जितना मर्जी इसको चला सकते हैं। ये देखो एक नंबर भाई, खरीदना चाहिए आपको। लो भाई फुल जोश, ये लो। तो लो भाई मेरी तो हो गई कॉफ़ी तैयार, मैं इसको एंजॉय करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आप इसको खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, 140 का आता है ये, आप इसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं।